आ भगवान के घर आ, आ भगवान के घर आ, वो जब तेरे साथ है तो डर है किस बात का। बसंती ओ बसंती, ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई। इमाम साहब, बीरू बेटा ये खामोशी क्यों है यहाँ। हाँ, आज मोहम्मद अजीज के गीत क्यों सुनाई नहीं दे रहे। आप आइए मेरे साथ आइए। क्या हुआ क्या हुआ बेटा, ये कहाँ लिए जा रहे हो। अहमद अहमद अहमद, मोहम्मद अजीज के सच्चे आशिकों में से एक मेरे बेटे। इन्ना लिल्लाहि बाहिना इलाहे राजे हूँ। इमाम साहब मैं, अब क्या तसल्ली देते हो ठाकुर, ये सब तुम्हारे मोहम्मद अजीज के शानदार गीत गब्बर के आदमियों को ना देने के कारण हुआ है। हाँ सुन लो, और तुम भी सुन लो गांव के लोगों, गब्बर की ये चिट्ठी रामगढ़ के वासियों, देख लो ठाकुर की बातों में आकर मोहम्मद अजीज के ही गीत सुनने की तुम्हारी जिद के कारण गब्बर से टकराने का अंजाम। अगर अब भी तुम सीधे रास्ते पर नहीं आए, मोहम्मद अजीज के सारे गीत मेरे हवाले करके और आज से ही मोहम्मद अजीज से बाद के गायककारों के गागरा चोली और नथनिया जैसे बदबूदार गीतों को सुनना शुरू नहीं किया तो रामगढ़ के हर आंगन में मौत नाचेगी। इसलिए अगर बाल बच्चों की जिंदगी आजकल के बुरे गीतों से बचाना चाहते हो तो कल सुबह सूरज निकलते ही मोहम्मद अजीज के गीतों के शानदार खजाने के रखवाले ठाकुर के दोनों आदमियों को पुरानी टेकी पर हमारे हवाले कर दो। मोहम्मद अजीज के गीतों को हासिल ना कर सकने वाला और आजकल के गीतों की गंदगी का जहर पीने को मजबूर डाकुओं का सरदार गब्बर सिंह। अरे इतने बड़े संकट में हमें डाल दिया ठाकुर, ये क्या किया तुमने। दीनानाथ, इस दुनिया में इज्जत से जीना है तो कुछ मोल तो देना होगा। ठाकुर हम डाकुओं को अपने जीने का मोल मोहम्मद अजीज के अनमोल खजाने में से गीत दे सकते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी नहीं। हम मोहम्मद अजीज को सुनने वाले आम इंसान हैं, भगवान नहीं। हाँ शंकर, हम मोहम्मद अजीज को सुनने वाले आम इंसान हैं। ये देश तो जुगों जुगों से मोहम्मद अजीज जैसे महान से महानतम गायककारों के शहद से भी मीठे गीतों का अमृत पीने वाला देश है। लेकिन जब जब किसी घटिया गायककार के घटिया गीतों ने लोगों के मनों में जहर भरने की हिमाकत की है, गंगा कसम हम मोहम्मद अजीज के गीतों के पहरेदारों ने अपनी छाती ठोककर मोहम्मद अजीज से बाद के किसी भी गायककार के गीतों को अपनी ठोकर तले रौंद देने की कसम खाई है। हमारी रगों में मोहम्मद अजीज के गीतों के लिए वफादारी का खून है। मोहम्मद अजीज के गीतों के लिए वफादारी का खून है हमारी रगों में। लेकिन बेटा इस खून खराबे से क्या होगा भला, अहिंसा भी तो कोई चीज़ है। अहिंसा को मैं भी मानता हूँ चाचा, लेकिन मोहम्मद अजीज के गीतों को हमसे ज़बरदस्ती लूट कर ले जाने वाले एक जालिम के आगे सर झुकाना अहिंसा नहीं, कायरता है, बुजदिली है। जो झुकते नहीं वो टूट जाते हैं ठाकुर। मैंने देखा है कितनों को ठाकुर मोहम्मद अजीज के प्रेरणादायक और शिक्षादायक गीतों के आबे जमजम को त्याग कर आजकल के लुच्चे लंडे गायककारों के गंदगी भरे गीतों में मुंह मारते हुए। ठाकुर ना आजकल के गीतों की गंदगी पर झुक सकता है, ना आजकल के गीतों को सुनने के लिए मजबूर किए जाने पर किसी जालिम की जबरदस्ती के आगे टूट सकता है। ठाकुर मोहम्मद अजीज के गीतों के अनमोल खजाने की हिफाजत करते हुए सिर्फ मर सकता है काशीराम। मगर जब तक जीऊंगा सर उठाकर मोहम्मद अजीज के लिए ही जीऊंगा। अरे कब तक जियोगे तुम और कब तक जिएंगे हम, अगर मोहम्मद अजीज के गीतों के रखवाले ये दोनों इस गांव में रहे। अगर तुम लोग ये समझते हो कि हमें मोहम्मद अजीज के गीतों के खजाने के साथ गब्बर के हाथों देकर तुम्हारे बच्चों की जिंदगी आजकल के गीतों का गरल पीने से बच सकती है तो कर दो हमें गब्बर के हवाले, हम तैयार हैं।
हाँ अब तो वही होगा जो होना चाहिए, हम इस मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते। कौन ये बोझ नहीं उठा सकता भाई? जानते हो सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर मोहम्मद अजीज के गीतों का रस पीने वाले बेटे का जनाजा, इससे भारी बोझ और कोई नहीं है। मैं बूढ़ा ये बोझ उठा सकता हूँ और तुम एक डाकू द्वारा मोहम्मद अजीज के गीतों का खजाना लूट कर ले जाने वाली एक मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते। भाई मैं तो एक ही बात जानता हूँ, मोहम्मद अजीज के गीतों का रस पीते हुए इज्जत की मौत, आजकल के लच्चर गीतों का जहर पीते हुए जिल्लत की जिंदगी से कहीं अच्छी है। मोहम्मद अजीज के ही गीतों के सहारे जिंदगी जीने वाला बेटा मैंने खोया है। मैंने फिर भी यही चाहूँगा कि मोहम्मद अजीज के गीतों के खजाने के पहरेदार ये दोनों इसी गांव में रहें। आगे आपकी मर्जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लिल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लिल्लाह। मेरी नमाज का वक्त हो गया, आज पूछूंगा खुदा से मुझे दो चार बेटे और क्यों नहीं दिए। मोहम्मद अजीज के गीतों को ही सुनने वाले, मोहम्मद अजीज के ही गीतों को दिल में बसाने वाले और मोहम्मद अजीज के ही दुनिया से सबसे अनमोल खजाना गीतों की हिफाजत करते हुए इस गांव पर शहीद होने के लिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लिल्लाह, कोई मुझे मस्जिद तक, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह।